हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, डेली अपडेट की तरह आज भी आप सभी के लिए हम बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ गए हैं जॉब के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि OSS द्वारा रिलीज की गई CGL के लिए वैकेंसी है, और इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए, इसमें डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जैसे इंस्पेक्टर के लिए है, सीनियर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर जैसे पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो चलिए फ्रेंड, आपको हम उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं सबसे पहले, और उसके बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, या आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए OSSC.gov.in, ये उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे विजिट करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड व्हाट्स न्यू, तो ये दिया हुआ है लिंक इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन मॉडल आंसर की फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 2022 एडवर्टाइज नंबर, ये दिया हुआ है। तो अब हम जो लेटेस्ट वैकेंसी है उसकी जानकारी देते हैं। तो यहाँ देखिए, कैंडिडेट कॉर्नर पे आना है आपको, और जैसे ही फ्रेंड यहाँ पे क्लिक करेंगे ये दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको देखिए जो लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है उसकी आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का PDF दिखाई देगा। ये देखिए बहुत सारे लेटेस्ट है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी स्पेशलिस्ट अंडर द वेरियस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा द्वारा आप सभी के लिए वेरियस डिपार्टमेंट में अलग अलग ग्रुप बी एंड ग्रुप सी स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो चलिए इसकी कंप्लीट डिटेल देखते हैं। अब आपको बताते हैं कैसे आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ है ये व्यू PDF, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंप्लीट जो आपको PDF देखने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड, इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। ये देखिए न्यू पेज ओपन हो गया है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यूनिट 2 भुवनेश्वर 751001 है। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, और देखिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन फॉर द ग्रुप बी एंड ग्रुप सी स्पेशलिस्ट पोस्ट सर्विस अंडर वेरियस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा सरकार के अंडर में जो CGL के वैकेंसी आई हुई है, इसमें देखिए स्पेशलिस्ट के लिए और ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए पोस्ट कोड दिया हुआ है। वेबसाइट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है www.ossc.gov.in दिया हुआ है। तो देखिए एप्लीकेशन इनवाइटेड, कौन कौन से पोस्ट के लिए इनवाइट किया जा रहा है, आगे जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हो जाएगा, और जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 28 जनवरी 2023 है, यानी 28 जनवरी 2023 को इसकी लास्ट डेट है। और देखिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो दिया हुआ है 31 दिसंबर 2022, यानी 31 दिसंबर 2022 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट जो दिया हुआ है 30 जनवरी 2023, यानी 30 जनवरी 2023 तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। एप्लीकेशन मोड जो दिया हुआ फॉर्म अप्लाई करने के लिए, केवल ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा, और ये दिया हुआ ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर विजिट कीजिए। नो फिजिकल कॉपी हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट्स। तो एप्लीकेंट्स द्वारा इसकी कोई हार्ड कॉपी या फोटो कॉपी आपको या प्रिंट आउट नहीं सेंड करना है, सबमिट नहीं करना है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए है, इसमें देख लेते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ। तो देखिए ये नेम ऑफ द पोस्ट एंड सर्विसेस दिया हुआ है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन विच वैकेंसी एग्जिस्ट फॉर दिस रिक्रूटमेंट, तो ये दिया हुआ है डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी एग्जिस्ट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है, और क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, कौन से ग्रुप के लिए वैकेंसी है, और उसके लिए पे मैट्रिक्स लेवल क्या है, स्केल ऑफ पे क्या है,
और इसमें सैलरी कितना प्रोवाइड करी जाएगी इसकी जानकारी देते हैं। तो देखिए इसमें जो दिया है आर्टिस्ट पोस्ट के लिए, ये इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी रिलीज की, एक पोस्ट के लिए है, ग्रुप बी है, और इसमें सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेवल 9 दिया है, पे मैट्रिक्स लेवल, और सैलरी है 35,400 to 1,20,400 तक इसमें सैलरी प्रोवाइड की जाएगी आर्टिस्ट के लिए दिया हुआ। और देखिए असिस्टेंट फॉर्डर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए दिया हुआ, डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल एंड हस्बेंडरी वेटनरी सर्विसेज उड़ीसा द्वारा, कटक द्वारा ये रिलीज की गई डिपार्टमेंट ये है, यानी कि ये क्या है असिस्टेंट फॉर्डर, सहायक जो फॉर्डर होते हैं यानी कि एनिमल जो ईट होता है उसके लिए है, एनिमल फूड के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये अफसर के लिए वैकेंसी है। इसमें दो पोस्ट के लिए है, कौन से, डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि आपको ये पशुपालन विभाग द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई, दो पोस्ट के लिए है, इस ग्रुप भी है, इसमें भी सैलरी आपको सेम दी जाएगी पर मंथ। सेकेंड देखिए जो थर्ड नंबर है असिस्टेंट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर है, असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक वैकेंसी है, और ग्रुप बी के लिए है, सैलरी भी आपको सेम है, तो इसमें सैलरी सभी के लिए सेम दी जाएगी। और देखिए इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी के लिए दिया हुआ है, ये कौन से डिपार्टमेंट द्वारा, फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की, 26 पोस्ट के लिए है, ग्रुप बी के लिए है, सैलरी सभी में देखिए सेम है, 35,400 to 1,12,400 तक की इसमें सैलरी है, सैलरी सभी पोस्ट के लिए लगभग सेम है। और देखिए दिया हुआ है, ये दिया है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है, ये वैकेंसी किस डिपार्टमेंट द्वारा है, फूड एंड सप्लाई कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा एक पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। सीनियर लेबोरेटरी के लिए दिया हुआ है वन पोस्ट के लिए, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है ये भी आपको डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन विभाग एंड वेटनरी सर्विसेस वेटनरी यानी कि पशु चिकित्सक डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज की गई है, उड़ीसा कटक डिपार्टमेंट है ये। और देखिए इसमें एक पोस्ट के लिए है, सीनियर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर के लिए दिया हुआ, 26 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, ये कौन से डिपार्टमेंट द्वारा है, प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट द्वारा है, इसमें भी 26 पोस्ट के लिए। अकाउंट असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है, इसमें इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक राशन रिलेशन डिपार्टमेंट द्वारा है एक पोस्ट है। अनाउंसर के लिए भी दिया हुआ, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, से टू पोस्ट के लिए वैकेंसी है, और ये ग्रुप सी की है। ऊपर कौन सी थी, ये यहाँ तक ग्रुप सी की थी, सेवन जो टेबल के सेवन नंबर तक थी, इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टिगेटर के लिए तो ग्रुप बी थी। अब देखिए ग्रुप सी की कितनी पोस्ट है, अनाउंसर के लिए ये ग्रुप सी की है, दो पोस्ट है, और जूनियर लाइब्रेरियन के लिए भी दिया हुआ है वन पोस्ट है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज की गई। इसमें देखिए ग्रुप सी की जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, अनाउंसर के लिए दिया हुआ है 25,500 to 18,100 रुपये तक की है, जूनियर लाइब्रेरियन के लिए दिया हुआ है एक पोस्ट है, और इसमें सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी 19,900 to 63,200 रुपये पर मंथ। और जूनियर लाइब्रेरियन के लिए भी दिया हुआ है, जूनियर लाइब्रेरियन के देखिए ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, जूनियर लाइब्रेरियन ये इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन की है, और ये स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा 9 पोस्ट के लिए रिलीज की गई, ग्रुप सी की है, लेवल 5 दिया हुआ है, और जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 21,700 to 69,100 तक पर मंथ दी जाएगी। मार्केट इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर के लिए दिया हुआ, फूड एंड सप्लाईज कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा 15 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, और ग्रुप सी की वैकेंसी है, पे लेवल 7 है, 25,500 to 80,100 रुपीज इसमें सैलरी है पर मंथ दी जाएगी। स्क्राइब के लिए भी दिया हुआ है वैकेंसी, कितने पोस्ट के लिए, दो पोस्ट है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज की गई है, टोटल जो वैकेंसी दो है, और ये देख सकते हैं ग्रुप सी के लिए है, लेवल पे मैट्रिक्स लेवल 4 है, सैलरी है 19,900 to 63,200 ये दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड अब देख लेते, कैंडिडेट मस्ट पजेस हैड वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर व्हाइल अप्लाइंग पोस्ट फॉर कीप सेम एक्टिव टिल कंप्लीशन ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू रिसीव
इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम द कमीशन। तो इसमें आपको कमीशन से इम्पोर्टेंट मैसेज या इम्पोर्टेंट अपडेट पाने के लिए आपको अपना रजिस्टर्ड हो या वैलिड जो आपका ईमेल आईडी हो और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। कब तक? जब तक इसकी वैकेंसी प्रोसेस आपको कंप्लीट नहीं हो जाती है। और देखिए, द अपॉइंटमेंट विल बी अगेंस्ट वन ऑफ द पोस्ट कैरिंग पे एज इंडिकेटेड अबव टेबल। तो इसमें जिस पोस्ट के लिए जितना सैलरी है वो इंडिकेट कर दिया गया है, ऊपर बता दिया गया है। एप्लीकेशन फी हैव बीन एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट एज पर GA एंड PG डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन है दिया हुआ है। तो इसमें ये दिया हुआ है, एग्जामिनेशन फी जो है हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट से इसमें एप्लीकेशन फी नहीं ली जा रही है। अपॉइंटमेंट शैल बी ऑन रेगुलर बेसिस कैरिंग द लेवल पे मेंशन्ड इन द टेबल अबव। द अपॉइंटमेंट शैल बी गाइडेड बाई उड़ीसा ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, और क्या दिया हुआ है इसमें। और देखिए फ्रेंड, इसमें PWD कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी रिलीज की गई है। PWD यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट जो हैं उनके लिए, पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए दिया हुआ है। आर्टिस्ट के लिए वन पोस्ट दिया हुआ है, आउट ऑफ विच वीमेन कैंडिडेट देखिए ये दिया हुआ है। आर्टिस्ट के लिए असिस्टेंट फोल्डर डेवलपमेंट के लिए वन पोस्ट दिया हुआ है। और देखिए, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है और ST कैंडिडेट के लिए वन पोस्ट दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, टू पोस्ट के लिए दिया हुआ है। असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए वन पोस्ट दिया हुआ है। तो ये अलग अलग दिया है, दिव्यांग कैंडिडेट के लिए दिया हुआ कौन कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसीज है। अब देखिए फ्रेंड, आगे क्या इन्फॉर्मेशन है उसे देख लेते हैं। आपके लिए इसमें ये दिया, एक्स सर्विस मैन के लिए भी वैकेंसी रिलीज की गई है। एक्स इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी के लिए दो पोस्ट दिया हुआ है। बेंच मार्क डिजेबिलिटी के लिए भी दिया हुआ है, एक पोस्ट दिया हुआ है। ये दिया हुआ एक्स सर्विस मैन और अलग अलग पोस्ट के लिए। अब देखिए फ्रेंड, इसमें फिजिकल रिक्रूटमेंट जो दिया हुआ है, द फिजिकल रिक्रूटमेंट PWD कैंडिडेट के पोस्ट के लिए दिया हुआ है। ये दिया है एफ दिया है, वर्क परफॉर्म्ड मैनिपुलेटिंग विद फिंगर। और दिया हुआ एच दिया, वर्क परफॉर्म्ड हियरिंग स्पीकिंग यानी कि जिनको बोलने और प्रॉब्लम है उनके लिए दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन या आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, दिया जनरल क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी। तो देखिए, इसमें दिया कैंडिडेट अप्लाई फॉर द एबव पोस्ट ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, अ गुड कैरेक्टर होना चाहिए, ऑफ साउंड हेल्थ, ये दिया फिजिक एंड फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक डिफेक्ट ऑफ बॉडी, इंफॉर्मेटिव, इफ मैरिड मस्ट नॉट बी हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग, ये दिया हुआ। और देखिए दिया हुआ है इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मस्ट हैव पास्ड मिडिल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो इसमें आपको मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन पास किए होना चाहिए आपको उड़िया लैंग्वेज में। और दिया सेकंड नंबर, मस्ट है पास्ड HC यानी कि हाई स्कूल पास होना चाहिए एग्जामिनेशन आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो इसमें आपके पास हाई स्कूल भी पास होना चाहिए उड़िया लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखिए, मस्ट है पास्ड उड़िया लैंग्वेज सब्जेक्ट इन फाइनल एग्जामिनेशन क्लास 7th आर अबव द मोर एबव फ्रॉम स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा आर सेंटर ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें ये दिया हुआ है आपको क्लास 7th तक की जो फाइनल एग्जाम है वो भी उड़िया लैंग्वेज में होना चाहिए। मस्ट है पास्ड अ टेस्ट इन उड़िया इन मिडल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाई स्कूल लैंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो इसमें देखिए फ्रेंड, अलग अलग पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए पोस्ट वाइज देख लेते हैं, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे आर्टिस्ट पोस्ट के लिए दिया हुआ है, आपके पास डिग्री इन फाइन आर्ट फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड एनी अदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फोटोशॉप कोरल ड्रा। तो आपके पास ये होना चाहिए, BA आर्ट की डिग्री होनी चाहिए जिससे बैचलर ऑफ आर्ट BA आपके होने चाहिए फाइन आर्ट से, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए जैसे कि फोटोशॉप है या कोरल ड्रा है। असिस्टेंट फोटर के लिए भी दिया हुआ है, BSc आपका कंप्लीट होना चाहिए वो भी एग्रीकल्चर से। असिस्टेंट प्रोग्रामर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से होनी चाहिए, और आपको एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए TV और फिल्म डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट देखिए, इंस्पेक्टर रीगर मेट्रोलॉजी के लिए दिया ग्रेजुएशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड विद फिजिक्स एज वन सब्जेक्ट। तो इसमें आपके पास BSc होना चाहिए यानी कि
बैचलर डिग्री साइंस से होना चाहिए और टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद 3 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो इसमें आपके पास BSc होने चाहिए या BTech होना चाहिए, BE होना चाहिए किससे, टेक्नोलॉजी से, या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, और आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट फूड सप्लाईज कंज्यूमर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए डिग्री, इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी साइंस या आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें कम से कम आपके पास इसमें भी दिया हुआ डिप्लोमा इन ये दिया है इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद 3 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 3 साल का। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है बैचलर इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो इसमें आपके पास BSc होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। किस पोस्ट के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट डायरेक्टरेट एंड ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए। सीनियर इकोनॉमिक्स के लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद ऑनर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक है, अप्लाइड इकोनॉमी, अप्लाइड इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, रिसोर्स इकोनॉमिक, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी विद ये दिए स्टेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और जियोग्राफी विद रीजनल प्लानिंग एज वन ऑफ पेपर, स्टेटिक्स इकोनॉमिक, रीजनल प्लानिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मस्ट हैव एडिक्यूएट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसमें ये कहा जा रहा है सीनियर इकोनॉमिस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री या पोस्ट, यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए ये रिलेटेड सब्जेक्ट से किसी एक में से, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर नॉलेज तो इसमें सभी के लिए कंपलसरी दिया हुआ है। अनाउंसर के लिए दे ग्रेजुएशन इन आर्ट, आपके पास आर्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट ऑलवेज फ्लुएंसी इन उड़ीसा हिंदी एंड इंग्लिश, और दिया अनाउंसर के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए वो भी जैसे कि आर्ट्स से है किसी भी सब्जेक्ट से, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपको उड़िया लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज आप फ्लुएंटली बोलना चाहिए, स्पीड में बोलना चाहिए आपको। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए दिया हुआ है इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसमें, लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रिलेटिंग द लाइब्रेरी वर्क, लाइब्रेरी वर्क के साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए देखिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से किसी भी आपको यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इस ये दिया है सिक्योरिंग फर्स्ट डिवीजन, इसमें फर्स्ट डिवीजन से होना चाहिए। मार्केटिंग मार्केट इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन इन ह्यूमैनिटीज और साइंस कॉमर्स एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 40% मार्क्स हैविंग एनी वन आप सब्जेक्ट नेमली इकोनॉमिक, मैथमेटिक, स्टेटिक्स, कॉमर्स और अकाउंटिंग ग्रेजुएशन लेवल मस्ट हैव एडिक्वेट कंप्यूटर नॉलेज लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। तो इसमें आपको पास मार्केटिंग इंटेलिजेंट के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री किससे होना चाहिए, ह्यूमैनिटी से होना चाहिए या साइंस से होना चाहिए जैसे BTech है, BSc है, ह्यूमैनिटी है, और देखिए कॉमर्स से भी आपका होना चाहिए कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए, और कौन कौन से सब्जेक्ट से दिया हुआ है जैसे इकोनॉमिक, मैथमेटिक, अकाउंटिंग से होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का होना चाहिए। ये देखिए स्क्राइब पोस्ट के लिए भी दिया हुआ आपके पास डिग्री इन फाइन आर्ट, आपके पास आर्ट से होना चाहिए जिसे BA है उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर से या एनी अदर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो फ्रेंड ये था आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 38 ईयर होनी चाहिए, और एड ऑन 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 38 यानी कि 38 साल होनी चाहिए, और आपको इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाए अपर एज लिमिट में, जैसे कि देख सकते हैं 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैंडिडेट को SC ST के लिए दिया हुआ, एंड ऑल वोमेन कैंडिडेट को
ये देखिए दिया हुआ है। और देखिए विमेन कैंडिडेट 10 ईयर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी टोटल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर इन डिफेंस सर्विस इन केस पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैटेगरी। तो इसमें आपको दिया विमेन कैंडिडेट को लिए और एससी एसटी दिव्यांग कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, आगे की क्या इंफॉर्मेशन है। तो फ्रेंड देखिए अब प्लान एंड पैटर्न एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए इसमें दिए प्री एग्जाम के लिए जो होगा सेल्फी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा प्री एग्ज़ाम होगा वो आपके कितना होगा, CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड पे होगा। और देखिए इसमें टोटल 150 मार्क्स होंगे इन एक्टिव सिलेबस इन गिवन एनेक्सेस सी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें दिया एडवर्टाइजमेंट में एनेक्सेस सी में इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें आपको ये बताया गया ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, 150 मार्क्स के आपको एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम में देखिए टोटल टेक्निकल पेपर्स मार्क्स जो होंगे 2000 मार्क्स होंगे, 2 पेपर्स होंगे इसमें। ये दिया देयर विल बी डिफरेंट टेक्निकल पेपर डिफरेंट सर्विस पोस्ट, हाउएवर टेक्निकल पेपर कुड बी कॉमन टू मोर देन वन सर्विस आर पोस्ट, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आपको इसमें दिया हुआ डिटेल सिलेबस के लिए दिया है, कमीशन वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए विद इन अ वीक। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर फॉलोइंग पोस्ट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई कंप्यूटर स्किल टेस्ट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट कौन कौन से पोस्ट के लिए दिया हुआ, जूनियर लाइब्रेरियन, सीनियर इकोनॉमिस्ट, मार्केटिंग इंटेलिजेंट, इन एक्टिव सिलेबस इन एनएक्सएच से दिया हुआ है। ये था फ्रेंड। और देखिए तो फ्रेंड एक बार फिर से देख लीजिए एनएक्सएससी में ऑलरेडी बताया गया है कि सिलेबस जो प्री एग्ज़ाम का है, देख सकते हैं प्री एग्ज़ाम में 1 पेपर होगा अर्थमेटिक से 10th स्टैंडर्ड हाई स्कूल लेवल का होगा, डाटा इंटर प्रिटेशन जो होता है चार्ट ग्राफ टेबल डाटा से डाटा सफिशियंसी से आपको होगा, क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड का होगा, लीगल रीजनिंग एंड एनालिटिक्स एबिलिटी जनरल मेंटल एबिलिटी से होगा, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से होगा, कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस से होगा। और देखिए इन इंडिकेटेड सिलेबस ऑफ कंप्यूटर स्किल टेस्ट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट से आपके पास कंप्यूटर फंडामेंटल MS विंडो और ऑफिस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड, स्प्रेडशीट MS एक्सेल और प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड जैसे MS पावर पॉइंट है, डाटा बेस MS एक्सेस है, यूजेस ऑफ इंटरनेट सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बेसिक नेटवर्क नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ये सिलेबस है। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आज की जो मिली है वो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आपके लिए आज की जानकारी या आज की इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड आप ये दिया है 30 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कब से स्टार्ट हो रहा है ये देख सकते हैं 31 दिसंबर 2020। तो 31 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, 30 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।